तो दोस्तों, आज हम वीडियो में दोबारा आ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लिप वॉश, जो हमारा 10, 20 और 40 mg में आता है। आज हम इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे कि ये टेबलेट किस चीज़ में काम आती है, और इसके मेडिसिन नेम जानेंगे, इसके साल्ट जानेंगे, इसका प्राइस जानेंगे, और इसके यूज़ जानेंगे, डोज जानेंगे, साइड इफ़ेक्ट जानेंगे, और सबसे अच्छी मेन चीज़ जो इसमें है कि इसकी सावधानियाँ हम जानेंगे। ठीक है कि इसे हम अगर ले रहे हैं टेबलेट को, तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कि क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सब हम ये बात करने वाले हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। तो क्या हाल है दोस्तों, सब बढ़िया? तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अल अमन फार्मा। तो दोस्तों, हम मेडिसिन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जी बात करते हैं मेडिसिन नेम से, कि ये किस नाम से आती है। तो ये जो आती है लिप वॉश नाम से आती है। लिप वॉश 10 आती है, लिप वॉश 20 और लिप वॉश 40। ये 10, 20 और 40 जो है ये हमारी mg हैं, यानी लिप वॉश जो है इसमें 10 mg है, 20 mg है और 14 mg है। और लिप वॉश एक प्रोडक्ट नेम है, मेडिसिन नेम है। इसका साल्ट जो हम बात करें, अगर साल्ट के बारे में, तो इसमें एटोरवास्टेटिन इसमें साल्ट होता है। एटोरवास्टेटिन इसमें 10 mg, 20 mg और 14 mg में आता है। बात करते हैं अगर इसके प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिप वॉश 10 mg के, तो वो 49 rupees की पर स्ट्रिप आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और दूसरी अगर बात करें लिप वॉश 20 mg की, तो 123 की आपको पर स्ट्रिप आसानी से मिल जाएगी। और बात करते हैं लिप वॉश 14 mg की, तो ये आपको लगभग 190 की आसानी से स्ट्रिप मिल जाएगी। और अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके यूज़ के बारे में या इसके उपयोग के बारे में, इस्तेमाल के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले जो बात है, ये स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन है। ठीक है, जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जो हमारे शरीर में हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो उसको कम करती है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल हुआ उसे कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। अब बात करते हैं, अगर हम बताते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। तो एक हमारा होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। और अगर हम बात करें गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो वो होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारा होता है। हम इसके बारे में बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब अगली वीडियो जो हमारी आएगी, हम इसी बारे में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आखिर क्या चीज़ है। इसके हम पूरे सही से जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो अब बताते हैं हम कि ये मेडिसिन जो है, ये चिकित्सा समस्या जैसे सीने में दर्द, दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं को रोकने में मदद कर सकती है। और बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका जो डोज होता है, इसे हम खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। बात करते हैं, इसे शाम को लेना चाहिए। ये जो अगर हम बात करते हैं इसके खाने का समय क्या है, मतलब किस टाइम हम लें, तो वो हम शाम को लेते हैं इस टेबलेट को। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इसे दिन में एक टेबलेट लेते हैं। इसे जो है, अगर दो टेबलेट ले रहे हो तो वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे मेन चीज़ है, देखो, आपको कुछ भी दिक्कत है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिसीज़ है, कुछ भी दिक्कत है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह सबसे पहले लें। देखिए कि आपके जीवन बहुत मूल्य है। आप अगर खुद कुछ भी मेडिसिन ले लोगे तो आपका ही नुकसान है, इसलिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से
कंसल्टेंट करें, उनसे बात करें, उनसे सलाह लें कि ये दिक्कत है कैसे। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आप इसे एक लोगे दिन में या दो लो सकते हो। अगले पॉइंट की तरफ करते हैं बात। तो इसे बिना चबाए और कुचले या तोड़े बगैर खाते हैं, यानी इसे मान लो मुंह में रखो और डायरेक्ट निकल जाओ, इसे चबाना नहीं है, कुचलना नहीं है, तोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से बस इसे खाओ और निकल जाओ सीधे। बात करते हैं अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। देखो वैसे तो हर मेडिसिन जो है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, हर उसमें साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली होते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप डॉक्टर से ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको इसके साथ अदर मेडिसिन भी जोड़ कर देते हैं इसी वजह से। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें हेडेक होना, वीकनेस आना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये गैस बनने जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। लेकिन इस डॉक्टर इसके लिए भी आपको पहले से ही मेडिसिन दे देता है। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, इसकी सावधानियों के बारे में। तो इसकी सावधानियों में जो बात है कि आपको कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो, ऐसी डाइट लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, घी व तेल से बने भोजन से बचना चाहिए। आप घी वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे बचो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपको यह है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। आप सावधानियों में इस नहीं है कि आप कम कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाएँ, घी या तेल का सेवन कम करें और एक्सरसाइज नियमित रूप से डेली करें। आज का हमारा जो वीडियो है यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसका टॉपिक रहेगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बताएंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।